चाणक्य नीति से सीखे मैंने तीन इम्पोर्टेंट बिजनेस लेसन्स। नंबर वन, हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहें। चाणक्य कहते हैं कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो बिजनेस की शुरुआत में हमें ऐसे बहुत से लोग मिल सकते हैं जो हमारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और उस काम पर फोकस करना है जिस काम को आप कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो काम आप अच्छे से कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं तो आपके लिए नेगेटिव लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। नंबर टू, केवल काम के कंप्लीट होने पर ही उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि अगर आप किसी काम को शुरू करने जा रहे हैं तो उस काम को कंप्लीट होने से पहले दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपसे जलते होंगे, जो आपको सफल होता हुआ नहीं देख सकते। ऐसे में अगर उन लोगों को आपके नए काम के बारे में पता चलेगा तो वो आपका मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको उस प्लान या फिर विचार के बारे में अपने उस पार्टनर के साथ जरूर शेयर करना चाहिए जिसके साथ मिल करके आप उस बिजनेस को या फिर उस काम को शुरू करने वाले हैं। नंबर थ्री, अपनी वाणी को मधुर रखिए। यहाँ पर चाणक्य हमें कहते हैं कि मधुर वाणी के जरिए हम किसी से भी आसानी से काम करवा सकते हैं। और बिजनेस वर्ल्ड में तो ये बात और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपको अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए। एक मधुर वाणी रखने वाला ही व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है।